मतलब तो मैं आपसे ना दो-तीन चीजें पूछ रही जैसे अभी जो न्यू एजर्स मतलब लाइक टीनएजर्स है लाइक 22 23 साल उनके ना हेयर लाइन भी जा रही है हां पीछे है? हो रही है बाल बहुत ग्रे हो रहे हैं ठीक है हुँ. तो इसके पीछे क्या रीजन मतलब इतनी कम उम्र में ये सब फैक्टर आना मतलब उसके पीछे का क्या लॉजिक लगता है आपको हेयर फॉल हेयर ग्रेइंग इन दोनों के कारण कहीं ना कहीं होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये एक इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं जो हमें फलों से मिलते हैं हरी सब्जियों से मिलते हैं हर चीज़ में पटेटो स्वीट पटेटो चेरी ब्लैकबेरी स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी क्रैनबेरी फ़्रूट्स एंड नट्स पपाया स्पिनिच बेल का जो फल होता है सबसे आपको एंटी मिलते हैं बट हम खाते क्या हैं हम कितना खाते हैं ये सब कितनी कम क्वांटिटी में और कितना प्रोसेस कर कर के mm. ओवर कुक कर कर करके खाते हैं राइट right? जितना हम ये करते हैं उसकी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट लेवल नीचे गिरा फ्री रेडिकल डैमेज शुरू हुआ उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण क्यों है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग और कहीं ना कहीं आपके फॉल का बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है आप इसको बंद नहीं कर सकते बट आप इसको कम कर सकते हो एंटी लेके तो आप अपनी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन फॉल कम कर सकते हो अगर आप अच्छा खाना पीना लो स्पिनिच ब्लैकबेरी ब्लूबेरी योर और पपाया और स्वीट पटेटो जो शकरकंदी होती है अपनी और इवन ब्रिंजल जितनी हर जितनी नॉर्मल डाइट पे जाओगे ना सात्विक जिसको कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके उतना ही आप ठीक होगे